हेलो ऑल, अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों का टारगेट एपीएससी एग्जाम भी है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं टू क्रैक दी एपीएससी एग्जामिनेशन। तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द वीडियो, लेट मी टेक यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज द कंप्रेहेंसिव गाइड बुक टू प्रिपेयर फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन। जब भी आप लोग एपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके मन में हजारों सवाल होते हैं और उन हजारों सवालों का जवाब आपको इस गाइड बुक में मिलने वाला है। पैटर्न क्या है एपीएससी एग्जामिनेशन का, एलिजिबिलिटी क्या है, कब कब ये एग्जाम हुआ है, कट ऑफ कितनी जाती है, सिलेबस क्या है, और उसमें भी खास बात डिकोडेड सिलेबस क्या है। क्योंकि दोस्तों एपीएससी का सिर्फ हमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पता है, लेकिन उनमें भी कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको इस गाइड बुक में देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चा एपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहा है उसके पास एक गाइड बुक होनी चाहिए और ये गाइड बुक आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और जल्दी से अपनी गाइड बुक डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये गाइड बुक आप लोगों को परफेक्टली गाइड करने वाली है आपकी एपीएससी की प्रिपरेशन में। अब आते हैं वीडियो पे हमारी। दोस्तों हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं एपीएससी एग्जाम को क्रैक करने में। अब आप में से काफी बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर वाई एपीएससी, वाई वी शुड प्रिपेयर फॉर एपीएससी अगर हम ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी इज अ वेरी टफ एग्जामिनेशन और यहां पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी आप लोगों को सक्सेस देखने को नहीं मिलती है। दो प्रीलिम्स के पेपर, 9 मेंस के पेपर, फिर एक इंटरव्यू, लंबी साइकिल, और कहीं भी अगर फेल होते हैं तो दोबारा से रिपीट करना पड़ता है और कुछ सालों के बाद फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल प्रेशर हमें दबाना शुरू कर देता है। तो एपीएससी इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। वाई दिस सो? क्योंकि दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करें तो बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप करता है यूपीएससी और एपीएससी के बीच में। अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए तो इट इज एज यूजफुल एज इन दी एपीएससी ऑल्सो। तो यहां पर आप लोगों के पास ओवरलैपिंग सिलेबस, रेप्यूटेड जॉब विद गुड पे। देखिए आप लोग जानिए कि एपीएससी जो है वो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट है, क्लास 1 पोस्ट है और लेवल 10 पोस्ट पे आती है और बैकबोन मानी जाती है ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की। और इस टाइम पर इंडिया में जो एक बहुत प्यारी गवर्नमेंट जॉब हमें देखने को मिलती है वो ईपीएफओ में देखने को मिलती है और उसमें भी एपीएससी एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। देन अपॉर्चुनिटी टू मेक इम्पैक्ट। देखिए आप लोग ऑलरेडी यूपीएससी के अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं, आप लोगों को पता है कि देखो लाइफ इतनी सिंपल नहीं है और एग्जाम क्लियर करना अपने आप में डिफिकल्ट है। तो यहां पर सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पेपर देके और उसके बाद इंटरव्यू देके आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। तो क्यों ना आप सिस्टम में घुसने का एक इजी रास्ता ढूंढें। तो दिस इज द इजी वे आउट टू द सिस्टम और इसके बाद भी आपका यूपीएससी का टारगेट बना रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। एन अल्टीमेट थिंग, गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों ईपीएफओ में अगर आप लोग जाते हैं तो पहली बात तो जॉब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जॉब सेटिस्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी और उससे भी खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग कैपेबल हैं, मौका भुनाना जानते हैं, तो आप लोग यहाँ पर बहुत जल्दी अपने आप को डेवलप्ड पाएंगे और ना सिर्फ कैरियर ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी बल्कि पर्सनल ग्रोथ भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोगों के पास ये प्लान भी जो है वो होना चाहिए। अब देखो एक और बात भी है कि यूपीएससी अगेन दोनों ही एग्जाम की एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, तो पेपर के पैटर्न में, पेपर के लेवल में, पेपर के टाइप पे भी आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। अगर आप एपीएससी के पुराने पेपर देखते हो 2012 वाला, 2015 वाला, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पेपर देख के ये फील पक्का आएगी कि यार ये पेपर तो ऑलमोस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर जैसा है। तो आपको इन दोनों एग्जाम्स के लिए पक्का प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बड़ा सर्कल, अगर आपकी बड़ी मेहनत यूपीएससी है तो उसी मेहनत से ऑलमोस्ट 90% जो आपका सर्कल है छोटा वो ईपीएफसी का बन रहा है। तो आप लोगों को भी डिफरेंट प्रिपरेशन नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपका एक टारगेट गेट एग्जामिनेशन है, एक टारगेट यूपीएससी एग्जामिनेशन है, नहीं, आपके दोनों जो टारगेट है वो सेम डायरेक्शन में है, सेम सिलेबस दोनों को क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो आप लोगों को पक्का एपीएससी को भी अपना टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि सेम प्रिपरेशन आपके इस एग्जाम को क्रैक करने में भी हेल्प करेगी। अब बात करते हैं सिलेबस ओवरलैपिंग की। मैंने आपको बताया कि काफी सिलेबस ओवरलैप करता है। तो दोस्तों अगर मैं यूपीएससी के सिलेबस की बात करूं तो इट इज वेरी वास्ट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमें यूपीएससी के सिलेबस में देखने को मिलते हैं और जनरली बोला भी जाता है कि जो भी चीजें सन के नीचे आती हैं वो सारी हमें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो यहां पर भी वही चीज है कि आपको यूपीएससी के बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड उसके बाद एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, ऑप्शनल पेपर हो गया। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं
उन्हीं कंपोनेंट्स में से कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमारे एस एच यूटिलाइज होंगे इन दी एपीएससी एग्जामिनेशन। देखो अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की तो 100% सिमिलैरिटी है बिटवीन द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड एपीएससी एग्जामिनेशन, इवन इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एपीएससी में बहुत कम डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं ऑलमोस्ट सेम नेचर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एपीएससी में भी आते हैं और सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। आप यहां पर भी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और आप यहां पर भी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो एक ही बार लक्ष्मीकांत पढ़नी है और दोनों एग्जाम्स के लिए पढ़नी है। नेक्स्ट थिंग इज इंडियन इकोनॉमी। अगेन जो हमारी स्टैंडर्ड इकोनॉमी की जो ट्रेंड्स हैं जो हमें लेटेस्ट टाइम में देखने को मिलते हैं, रेपो रेट, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और हमारी जो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, वो सारी चीज़ें हमारी दोनों एग्जाम्स में कॉमन है, तो वो भी हमें प्रिपेयर करनी है। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, दोस्तों अगर आप लोग एपीएससी के पुराने पेपर देखोगे स्पेशली 2015 का, तो वहाँ पर हमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से आते हैं और बहुत कम डिफिकल्ट ज्योग्राफी है एज कम्पेयर टू यूपीएससी लेवल, लेकिन सिलेबस वही है, ठीक है। देन जनरल साइंस, और जनरल साइंस अगेन टिपिकल यूपीएससी कि आपको बेसिक साइंस भी देखने को मिलेगी और आपको टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हम यूपीएससी में देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन क्या है, सेम टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी आते हैं, तो जनरल साइंस भी एकदम ओवरलैपिंग है बिटवीन एपीएससी एंड यूपीएससी। देन फ्रीडम मूवमेंट, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट है और एपीएससी में भी ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री से हमें 8-10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो एपीएससी में भी हमें सेम सिलेबस से 8-10 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ऑलमोस्ट सेम एज कंपेयर टू यूपीएससी, और यहां पर भी आपका स्टैंडर्ड सोर्स जो है वो नितिन सिंघानिया ही होने वाला है। देन जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ, दोस्तों मैथ आप लोगों को पता है कि सीसेट का डिफरेंट पेपर होता है यूपीएससी में और लगभग 45 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग से आते हैं जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन होते हैं, और यहां पर भी अगर आप एपीएससी की बात करें तो 30 क्वेश्चन हमें डायरेक्टली मैथ से देखने को मिलते हैं और लेवल एंड टाइप सेम है। बस एक डिफरेंस क्या है कि यहां पर आपके पास जो टाइम है एपीएससी में वो 1 मिनट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन यूपीएससी में आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है। अब बात करूं करंट अफेयर्स की, अगेन करंट अफेयर ऑलमोस्ट सेम है, नो डाउट एपीएससी में करंट अफेयर का लेवल यूपीएससी से हल्का सा एक नॉच डाउन है, लेकिन वही न्यूज़पेपर वही करंट अफेयर आपके यूटिलाइज होंगे एपीएससी में जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आप पढ़ते हैं वो आपका सोशल सिक्योरिटी जो कंपोनेंट है एपीएससी में, जो आप लोगों को एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगता है, वो ऑलमोस्ट आपका प्रिपेयर हो जाता है करंट अफेयर से। फॉर एग्जांपल आप में से सभी बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, ये सब पढ़ रखी है और यही स्कीम से क्वेश्चन आता है एपीएससी एग्जामिनेशन में। इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट है आईआर एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, और वहां पर भी हमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से डायरेक्टली आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये प्रोविजन हमें कहां पर देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड आई होप कि अगर आप लोगों ने आईआर लेबर लॉ कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 90% सिलेबस जो है वो हमारा ओवरलैप होता है बिटवीन यूपीएससी एंड एपीएससी। और दोस्तों अगेन मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर यूपीएससी आपका बड़ा सर्कल है तो एपीएससी आपका उसी में एक छोटा सर्कल है, और आप लोग इजीली एपीएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आप लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत दबा के करी है, कंसिस्टेंटली करी है। बस एक हल्की सी ओरिएंटेशन का आपको चेंज करना पड़ेगा, वो भी क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका एपीएससी एग्जामिनेशन है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, आपको किसी भी टॉपिक की स्वर्ट एनालिसिस नहीं करनी है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है वो एक बार ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व करने का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि क्यों मैं 90% की बात कर रहा हूँ। तो सर हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक है 2015 का लेटेस्ट एपीएससी पेपर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम जो एपीएससी एग्जामिनेशन हुआ था वो 2015 में हुआ था, और एक और एग्जाम्पल है हमारे पास वो है लेटेस्ट 2021 ईपीएफओ ईओओ पेपर, जो दोनों ही एग्जामिनेशन यूपीएससी ने कंडक्ट किए थे, और जो ईओओ का पेपर है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ एपीएससी पेपर, मतलब दोनों का जो सिलेबस है काफी ओवरलैपिंग है। अब यहाँ पर इंग्लिश के ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन हमें ऐसे दिखने को मिलेंगे जो यूपीएससी के पोर्शन वाले ही हैं, मैथ के 30 क्वेश्चन, एसएच जीएस के 45 क्वेश्चन, जहां पर इंडियन पॉलिटीज,
इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और हमारी इंडियन इकोनॉमी कल्चर, ये वाले क्वेश्चंस, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन एंड अदर 10 प्लस, जहां पे सोशल सिक्योरिटी के 5 के अराउंड क्वेश्चन एंड आईआर एंड लेबर लॉ के 2 से 3 क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और जो अगेन आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन से सॉल्व हो रहा होगा। तो लगभग 100+ क्वेश्चन हैं आउट ऑफ 120 जो आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन को यूटिलाइज करके सॉल्व कर सकते हो। अब एक खास बात कि क्या यूपीएससी वाले बच्चे इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, एडवांटेज है, एज है, लेकिन उस एज को आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे वो डिसाइड करेगा कि आप लोगों की सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। अगर आप लोग ये मान के चले कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग फिर रह जाओगे, और अगर आप लोग अपनी उस एडवांटेज को और वर्कआउट करोगे और उस पर मेहनत करोगे, चीजें एड ऑन करोगे, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं, काफी ब्राइट हैं। ठीक है, एक और बात कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, उसको बिल्कुल भी साइड मत करो, अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को अफेक्ट मत करो। क्योंकि इस टाइम पर अगर मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करूं तो आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो जीएस प्रिपेयर कर रहे होंगे, ऑप्शनल उनका एक टाइम टारगेट होगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और करंट अफेयर रेगुलर पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप 6 से 8 घंटे करंट अफेयर प्लस ऑप्शनल प्लस जीएस प्लस आंसर राइटिंग कर रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर यूपीएससी एग्जाम, बस इसमें 2 घंटे और ऐड कर दो डेली। देखो 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 घंटे और ऐड कर दो फॉर नेक्स्ट 2 मंथ नवंबर एंड दिसंबर एंड प्रिपेयर दोज यूनिक कंपोनेंट्स जो कि सिर्फ एपीएफसी में आते हैं, और आप लोग 100% रेडी हैं फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। देन फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, लगभग 20 दिनों का कोर्स है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ साथ अगर आप आईआर लेबर लॉ की जो बेसिक टॉपिक्स हैं और एंड सोशल सिक्योरिटी के जो एक्ट्स हैं अगर आप वो कवर कर लो, देन यू आर 100% रेडी फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। 2 महीने में ये कंपोनेंट्स आपके इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप डेली 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा देते हो। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन को अफेक्ट मत करो, जो आप यहाँ पर जीएस पढ़ रहे हो आपकी एसएच यूटिलाइज होगी इन द एपीएफसी एग्जामिनेशन, करंट अफेयर आपके एसएच यूटिलाइज होंगे इन द एपीएफसी एग्जामिनेशन, बस आपको थोड़ा जो यूनिक पोर्शन है वो कवर कर लेना है, 10% जो आपका पोर्शन है उसको आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग 100% रेडी हो फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा अपना मेंटल सेटअप को वाइड करो, ओपन करो अपने थॉट को, और ये मान के चलो कि भाई एक अच्छा बैकअप होना चाहिए हमारे पास एज कम्पेयर टू यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी एग्जामिनेशन टफ होता जा रहा है, डिफिकल्ट टू क्रैक है और मल्टीपल स्टेजेस हैं, और उसी प्रिपरेशन से अगर हम कोई सिमिलर एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं तो क्या बुराई है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मेरा मैसेज अच्छे से ले पा रहे होंगे, और आप लोग सोचिए केवल कि आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ 2 महीने देने हैं अपने 2 घंटे के, और आप लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं एक सिमिलर एग्जामिनेशन के लिए जिसको यूपीएससी ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। कोई भी इशू आए, कोई भी डाउट आए, वी आर देयर फॉर यू। आप लोग कॉल कर सकते हैं हमें 8146207241 पर, या एक मेल ड्रॉप कर दीजिए hello@edutap.co.in पर। और दोस्तों खास बात यह है कि हमने आप लोगों के लिए कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, देर आर 3 वेरियंट्स ऑफ कोर्सेज जिनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एक है मास्टर पैक जो कि बिगनर्स के लिए है, जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर रहा है या फिर एपीएफसी एग्जाम की भी तैयारी शुरू करेगा, वो उन कोर्स को परचेज कर सकता है। दूसरा है टेस्ट सीरीज प्लस, जहां पर आप लोगों को 8000+ एमसीक्यूज मिलेंगे, एंड अलोंग विद दैट आप लोगों के लिए जो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ है, अकाउंटिंग है एंड कंप्यूटर अवेयरनेस है, सॉरी सोशल सिक्योरिटी है, इनका कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा। और एक है टेस्ट सीरीज जहां पर आपको 8000+ एमसीक्यूज मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार पक्का विजिट करिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।